अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। लास्ट टाइम वी स्टॉप देयर दिस चैप्टर एंड नाउ वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एट लास्ट इट वाज अलीज टर्न, आखिर में अली का नंबर आ गया। एवरीवन क्लैप्ड एज ही वॉक्ड ऑन टू द स्टेज। सब ने थालियाँ बजाई जब अली स्टेज पर आया। वेयरिंग अ ग्रीन रोब एंड अ टॉल pointed hat painted with stars and crescent moons। Ali ने क्या पहना हुआ था? एक बहुत लंबा ढीला सा लिबास सब्ज रंग का और नोकीली सी टोपी पहनी हुई थी जिस पर सितारे और पहले दिन के चांद बने हुए थे। crescent moons पहले दिन का जो चांद होता है। He looked like a real magician। वो बिल्कुल एक सच्चे वो बिल्कुल एक रियल जो म्यूजिशियन होते जादूगर होते हैं उनकी तरह दिखाई दे रहा था। बट व्हाट वाज ही गोइंग टू डू, लेकिन वो क्या करने वाला था? गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अली ने कहा कि शाम बखैर लेडीज़ एंड जेंटलमैन। टुनाइट आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ वैनिशिंग ट्रिक। आज की रात में गायब होने वाला करतब आप लोगों को दिखाऊँगा। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ कॉइन डिसअपियर, मैं कोई सिक्का गायब करने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन एग डिसअपियर, मैं कोई अंडा गायब करने वाला नहीं हूँ। नो आई एम गोइंग टू मेक माई डॉग स्मोकी डिसअपियर, मैं अपना कुत्ता स्मोकी जो है उसको गायब करने वाला हूँ। एवरी वन चीयर्ड लाउडली, सब बहुत ऊँचा हंसे। अली टुक अ लार्ज शीट फ्रॉम द टेबल एट द बैक ऑफ द स्टेज। He waved it about to show it was only a sheet. अली ने स्टेज के पीछे टेबल से एक शीट उठाई और उसको हवा में लहराया। वेव्ड का मतलब है लहराना, दिखाने के लिए कि ये एक शीट थी। Has the dog gone up in smoke already? Shouted someone from the audience. नाज़रीन में से किसी ने चिल्लाते हुए आवाज़ आई कि क्या जो कुत्ता था वो स्मोक में धुएँ में गायब हो गया। Ali smiled, then he went to the side of the stage and called out, "Smokey, Smokey, come here, boy." Ali हंसा मुस्कराया और फिर स्टेज के एक तरफ पे गया और वहाँ पे आवाज़ दी, "Smokey, Smokey, come here, boy." Smokey यहाँ आओ। But no dog appeared, लेकिन कोई कुत्ता जाहिर नहीं हुआ ना आया। "Come here, Smokey," shouted Ali again. The audience laughed. Ali जो है दोबारा चिल्लाया, "Come here, Smokey," के Smokey यहाँ आओ। द ऑडियंस लाफ्ड, ऑडियंस जो नाज़रीन थे वो हंसे। अली लेफ्ट द स्टेज, अली ने स्टेज छोड़ा, वो पीछे की साइड पर गया एंड री अपीयर कैरिंग अ स्मॉल टेरियर इन हिज आर्म्स, और दोबारा से जाहिर हुआ आया अपने हाथों में। टेरियर कुत्ते को कहते हैं, एक छोटा कुत्ता, स्मॉल टेरियर कुत्ते को अपने हाथों में लिए हुए दोबारा आया। दिस इज स्मोकी, अनाउंस्ड अली, अली ने ऐलान किया कि ये स्मोकी है। एंड ही इज़ नाउ गोइंग टू बी मेड टू डिसअपीयर, और अब ये गायब होने वाला है। अली हैड द डॉग इन हिज आर्म्स विद सम डिफ़िकल्टी, अली ने कुछ मुश्किल से अपने हाथों में उस कुत्ते को पकड़ा। स्मोकी व्रिगल्ड एंड टर्न्ड, अली प्लेस द शीट ओवर द डॉग एंड हैड द बंडल टाइटली। जो स्मोकी है वो अली के हाथों में मछला और टर्न इधर उधर किया अपने आप को, और जो अली है उसने उस कुत्ते पर शीट डाली और उसको बंडल की तरह टाइट किया और अपने हाथों में पकड़ा। ही रीच्ड फॉर हिज वांड ऑन द टेबल, और वो अपनी जादुई छड़ी, वांड का मतलब है जादुई छड़ी, और वो अपनी जादुई छड़ी के पास गए जो टेबल पर पड़ा हुआ था। एंड एज ही डिड सो द डॉग लेप्ट आउट फ्रॉम अंडर द शीट, जैसे कि वो जादुई छड़ी लेने गया तो वो कुत्ते ने क्या किया कि उस शीट के नीचे से वो चलांग लगाई। स्मोकी बार्क एट द ऑडियंस एंड देन रेन एंड हाइड अंडर द टेबल। स्मोकी जो है नाज़रीन पे भौंका और उसके बाद मेज़ के नीचे जाके बाके छुप गया। एट द बैक ऑफ द स्टेज, स्टेज के पीछे साइड पे, द ऑडियंस कुड नॉट सी स्मोकी बिकॉज ही वॉज हिडन बिहाइंड अ टेबल क्लॉथ। जो नाज़रीन थे उनको स्मोकी दिखाई नहीं दिया क्योंकि स्मोकी जो है वो टेबल क्लॉथ जो मेज़ पर कपड़ा था उसके पीछे छुपा था। हाउ दे लाफ, और वो कितना हंसे। अली डिड नॉट माइंड, अली को बुरा नहीं लगा। ही पुल्ड स्मोकी आउट फ्रॉम अंडर द टेबल, उसने स्मोकी को दोबारा से वो मेज़ के
नीचे से निकाला एंड वंस अगेन प्लेस्ड द शीट ओवर हिम, और दोबारा से वो जो शीट है वो उस पर स्मोकी पर ढाला। ही रीच्ड फॉर द वांड, वो दोबारा से अपने जादुई छड़ी के पास गया एंड अगेन स्मोकी जंप फ्रॉम हिज आर्म्स एंड रैन अंडर द टेबल, और दोबारा से स्मोकी ने उसके हाथों से जंप किया और टेबल के नीचे गया भागा। दिस टाइम द ऑडियंस रोर्ड विद लाफ्टर, इस टाइम जो नाज़रीन थे वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में हंसे। सम मैजिक ट्रिक, शाउटेड वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम क्लास सिक्स, व्हाई डोंट यू डिसअपीयर, क्राइड अनदर एंड द ऑडियंस गिगल्ड। छठी क्लास ने एक तालबिलम चिल्लाया कि कुछ और जादुई ट्रिक करो, ये तुम क्यों गायब नहीं हो रहे, और जो बाकी जो ऑडियंस थे वो जो नाज़रीन थे वो हंसे। गिगल्ड का मतलब है हंसना दांत निकाल के। अली लुक्ड वरीड एंड अ लिटिल एम्बैरेस्ड, अली थोड़ा सा परेशान हुआ और शर्मिंदा हुआ। बट वॉज दिस पार्ट ऑफ हिज एक्ट, लेकिन क्या ये सब उसके कर्तव्य का हिस्सा था? एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ही सेड ब्रेवली, उसने बहादुरी से कहा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ट्रिक, ये बहुत मुश्किल कर्तव्य है। अली क्रॉल्ड अंडर द टेबल विद हिज शीट एंड कम आउट विद अ रेगलिंग बंडल, अली जो है घुटनों के बल मेज के नीचे गया और अपनी शीट, अपने हाथों में शीट को लेकर, और फिर एक मचलते हुए बंडल के साथ बाहर आया। ही हैड ऑन टू इट मोर टाइटली दिस टाइम, उसने और इस टाइम उसको बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था, ऐसे शो कर रहा था जैसे कि उस शीट में, उस बंडल में उसके पास स्मोकी है, कुत्ता है। एंड मैनेज टू टेक द वांड इन हिज लेफ्ट हैंड एंड वेव इट अराउंड द शीट, और अपने दूसरे हाथ में, बाएं हाथ में जादुई छड़ी को मैनेज किया, पकड़ा और ये जो शीट है उस पर लहराया, मतलब घुमाया उस जादुई छड़ी को, और फिर ये मंत्र पढ़ा, एब्राकडाब्रा होकस पोकस रेता माता पुटाटा मटाटा टूडल ओ, ही शाउटेड एंड देन फ्लंग द शीट अप इन द एयर, उसने ये मंत्र पढ़ा, चलाया और वो जो शीट है वो हवा में उछाला, जो चादर है वो उसको हवा में उछाला। द ऑडियंस गैस्ड इन सरप्राइज, जो नाज़रीन थे वो हैरानगी से देखने लगे। द शीट फ्लोटेड जेंटली डाउन द स्टेज, जो चादर थी वो आहिस्तगी से आराम से स्टेज पर तैरते हुए नीचे आई। बट देयर वॉज नो डॉग टू बी सीन एनी वेयर, लेकिन उसमें कोई कुत्ता नजर नहीं आया। अमेजिंग वेल डन, क्राइड द ऑडियंस एंड अपलोडेड लाउडली एज द कर्टिन केम डाउन, जो ऑडियंस थे उन्होंने कहा कि अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, और थालियाँ बजाई, बहुत शोर किया, खुश हुए, और जो पर्दे थे वो नीचे आ गए। इसका मतलब कि अली का जो कर्तव्य था वो पूरा हो गया। When the bell rang the next day and the children went into their classroom, अगले दिन जब बेल बजी और सारे बच्चे अपने क्लासरूम में आए, मिस्टर खान कॉन्ग्रेचुलेटेड देम ऑन अ मार्वलस शो, मिस्टर खान ने सब बच्चों को उनके शानदार शो पर बहुत मुबारकबाद दी। अली सेड, मिस्टर खान, योर ट्रिक वॉज जस्ट ग्रेट, बट टेल अस हाउ यू डिड इट, मिस्टर खान ने अली से पूछा कि तुम्हारा जो कर्तव्य था बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन हमें बताओ कि तुमने ये कैसे किया। इट वॉज़ मैजिक, सेड अली विद अ शाई स्माइल, अली ने एक शर्मिंदगी वाली स्माइल दी, मुस्कुराहट दी, और कहा कि ये तो जादू था। नो टेल अस अली, टेल अस, क्राइड द अदर्स, सब ने कहा नहीं अली तुम बताओ, हमें बताओ। वेल व्हाट हैपेंड वॉज दिस, एक्सप्लेन्ड अली, अब क्या हुआ था, अली जो है वो वजाहत करने लगा। बिफोर द कर्टन वेंट अप, पर्दे उठने से पहले, आई पुट सम ऑफ स्मोकीज फेवरेट बिस्किट्स अंडर द टेबल, मैंने मेज के नीचे स्मोकी के कुछ पसंदीदा बिस्किट रखे थे। आई शोड स्मोकी वेयर दे वर, मैंने स्मोकी को दिखाया कि वो बिस्किट कहाँ पड़े हुए हैं। व्हेन आई कैरिड हिम ऑन टू द स्टेज, जब मैं उसको स्टेज पर लेकर आया, आई डिड नॉट होल्ड ऑन टू हिम टू टाइटली, मैंने उसको इतनी मजबूती से नहीं पकड़ा था। आई अलाउड हिम टू जंप आउट ऑफ माई आर्म्स ट्वाइस एंड रन अंडर द टेबल, मैंने खुद उसको छोड़ा दो बार कि वो मेरे हाथों से जंप लगा के भाग जाए और नीचे मेज के नीचे चला जाए। व्हेन आई वेंट टू गेट स्मोकी फॉर द थर्ड टाइम, जब मैं तीसरी दफ़ा स्मोकी को लेने गया, आई ओनली प्रिटेंडेड टू पुट हिम अंडर द क्लॉथ, मैंने सिर्फ जाहिर किया कि इस कपड़े के नीचे स्मोकी है। ही वॉज स्टिल अंडर द टेबल, लेकिन वो उस टाइम
मेज़ के नीचे ही था, मतलब उसके हाथों में नहीं था। मंचिंग बिस्किट्स और अपने पसंदीदा बिस्किट खा रहा था। मंचिंग का मतलब है खाना। दिस टाइम अली रिसीव्ड अ लाउड चीयर फ्रॉम हिज क्लासमेट्स। ये सब सुनकर अली के जो क्लासमेट्स थे वो बहुत ज़्यादा हंसे। ही लुक्ड सो प्लीज्ड, और वो भी बहुत खुश दिखाई दिया। सो द चैप्टर इज कम्प्लीटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। थैंक यू।